हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कार सिलेक्टर्स में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे फाइव पॉजिटिव पॉइंट ऑफ एल्थ्रोज, टाटा एल्थ्रोज, और वन नेगेटिव पॉइंट ऑफ टाटा एल्थ्रोज, और थोड़े बहुत फीचर भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो देखते रहें वीडियो को एंड तक। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब दिन में दो दो वीडियो आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो पहले हम बात करें इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की। पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो पहला है इसका 345 लीटर की बूट स्पेस, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखी होगी। हैचबैक वेरिएंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस आने वाली कार है ये। और अगर हम इसका दूसरा पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स, 90 डिग्री में इसके ओपनिंग हो जाती हैं डोर्स, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जिसने भी मतलब बुज़ुर्ग लोगों ने बैठना है कार के अंदर, तो उन्हें ऐसे ही डोर्स चाहिए जो कि 90 डिग्री में ओपन होते हो, ताकि उन्हें खुली स्पेस मिल सके बैठने के लिए। बाकी इसकी बूट स्पेस भी सारी हैचबैक कार से ज़्यादा है। किसी भी हैचबैक कार में इतनी अच्छी बूट स्पेस नहीं मिलती जितनी कि आपको टाटा एल्थ्रोज में मिलती है। बाकी इसका अगर थर्ड पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसका थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है इसके अंदर आने वाला कूल्ड ग्लव बॉक्स। इसके अंदर आने वाला कूल्ड ग्लव बॉक्स सारी हैचबैक कार से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मतलब कि अगर आप गर्मियों में भी कहीं पे जाते हैं तो भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। इसका ग्लव बॉक्स 15 लीटर के आसपास आ जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा है। बाकी जितनी मर्ज़ी आप इसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतलें भी रख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा कूल्ड ग्लव बॉक्स आ जाता है। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट की, तो इसमें आपको मिल जाता है क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ कंट्रोल आपको अभी तक किसी भी हैचबैक कार में नहीं मिल रहा था, जो कि ये आम कंपनियों के हैचबैक आती है। बाकी वो ऑडी वगैरह की तो कह नहीं, क्या उनमें तो आता ही आता है क्रूज़ कंट्रोल। बाकी अभी तक ये स्विफ्ट, बलेनो, इनमें से किसी में भी क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता था आपको। आपको इसमें टाटा एल्थ्रोज में क्रूज़ कंट्रोल भी दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बहुत ही स्टेबल इसका क्रूज़ कंट्रोल आपको मिलता है। और अगर हम इसके लास्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, जो कि है सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसका, तो इसकी सेफ्टी, जो इसकी सेफ्टी है वो सबसे ज़्यादा सेफ्टी है हैचबैक वेरिएंट्स में, जैसा कि आप देख सकते हैं। i20, बलेनो और भी कई सारी कारें आ जाती हैं हैचबैक वेरिएंट में, पर इतना अच्छा सेफ्टी आपको किसी में नहीं मिलती जैसे कि आपको टाटा एल्थ्रोस में मिलती है। टाटा एल्थ्रोस की सेफ्टी भी बहुत अच्छी है। बाकी इसका इंटीरियर बहुत ही अच्छा, सुंदर इंटीरियर बना हुआ है इसका, और बहुत से अच्छे अच्छे फीचर्स आपको इसमें इंटीरियर में मिलते हैं। बाकी अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको टाटा नेक्सन जैसा डैशबोर्ड मिलता है। और भी इसके कई फीचर्स की बात करें, वो पॉजिटिव फीचर्स तो नहीं आप कह सकते, थोड़े से अच्छे फीचर्स आप उसे कह सकते हैं, जैसे कि मोबाइल होल्डर, सनग्लास होल्डर, मार्जिन पॉकेट, और आप देख सकते हैं बहुत सारे फीचर लिखे हुए आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें आपको बहुत ही अच्छा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, बहुत ही ज़्यादा डिजिटल, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाकी कार बहुत ही सुंदर बनाई है कंपनी ने। और अगर हम इसके एक नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसका एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो इसका है कि इसमें आपको पेट्रोल के वेरिएंट में 3 सिलेंडर्स मिलते हैं। इसके आपको पेट्रोल के वेरिएंट में 3 सिलेंडर्स मिलते हैं, जबकि आपको इसमें 4 सिलेंडर्स मिलने चाहिए थे। बाकी उस नेगेटिव पॉइंट से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कार को। बाकी ये कार पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है। बलेनो, स्विफ्ट जैसी कारें तो अब सिर्फ पेट्रोल में ही आने लगी हैं, तो ये पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है। बाकी टाटा एल्थ्रोस का इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी भविष्य में लॉन्च होगा, यही 2020 के लास्ट में या 2021 के शुरू में लॉन्च हो जाएगा टाटा एल्थ्रोस का भी ईवी वेरिएंट, जो कि बहुत ही अच्छी सेल्स फिगर बनाएगा अपनी। बाकी इसमें आपको अल्फा आर्किटेक्ट मिल जाता है, जो कि इसकी सेफ्टी बढ़ाता है, इसी के कारण इसकी सेफ्टी बढ़ती है। वैसे तो टाटा एल्थ्रोस की भी सेफ्टी अच्छी नहीं होनी थी, जो अल्फा आर्किटेक्ट का मॉडल है उसकी सेफ्टी तो अच्छी ही होती है। बाकी इसमें आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स वगैरह मिलते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीचर्स इसमें इतने सारे हैं कि गिनाने लगूँ मैं तो 1-1.5 घंटे की वीडियो आराम से बन जाएगी। बाकी आपको मेन मेन फीचर्स मैंने बता ही दिए हैं, बाकी कार के लुक्स भी बता दिए आपको।
अगर आपने हैचबैक कार लेनी है तो टाटा एल्थ रोज एकदम बेस्ट कार है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी। जय हिंद, जय।